प्रतिवर्ष 23 जनवरी को हम लोग नेताजी का पुण्य स्मरण करते हैं। कृतज्ञता भाव से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। ऐसा अनेक महापुरुषों के बारे में हम करते रहते हैं। आज के भारत में नेताजी का विशेष रूप से पुण्य स्मरण होता है, क्योंकि भारत का जो नवोत्थान है, उस नवोत्थान का आधुनिक पर्व, वर्तमान पर्व, वो 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध की विफलता के पश्चात शुरू हुआ। लोगों ने अंतर्मुख होकर चिंतन किया, हमारी ही भूमि में हमारे पास सैन्य बल होने के बाद भी मुट्ठी भर परकीय, जिनको हमारे देश की आबो हवा का परिचय नहीं है, जो अल्पसंख्या है हमारे अपने देश में, लेकिन वो जीत गए और हम हार गए, ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें चार धाराएं चली। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे देश में राजकीय जागृति नहीं है, राजनीतिक जागृति नहीं है, वो लाने के लिए और कुछ करना चाहिए, तो एक राजनीतिक आंदोलन स्वतंत्रता के लिए खड़ा हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में खड़ा हो गया। उसमें सब लोगों ने योगदान दिया। कुछ लोग थे, वो कहते थे कि हमारे समाज में बहुत सारी कमियां हैं, रूढ़िग्रस्त समाज है, भेदभाव से ग्रस्त समाज है, उसको हटाने के लिए काम करना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय से लेकर जो परंपरा सुधारकों की शुरू हुई, अभी भी चलती है। तीसरा था स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने पूरे देश का भ्रमण करके इस देश की अंतरात्मा को जानकर एक बात कही कि अपने मूल की ओर वापस चलो और अपने देश के दरिद्र नारायण की सेवा करो। पहले हम अपने लोगों को सक्षम बनावे, बाकी सब अपने पास है, जो अपने पास है उसको स्मरण करने की आवश्यकता है, उसकी ओर लौटने की आवश्यकता है। और चौथी धारा थी, उसने ये कहा कि शस्त्राचार से ही करेंगे, फिर से एक बार हार गए तो क्या हुआ, फिर से पिछली गलतियां सुधार कर ऐसा प्रयास करेंगे तो शस्त्रों के बल पर हम अंग्रेजों को भगा देंगे। अपने देश में कुछ थोड़े लोग ऐसे थे जो इन चारों बातों को आवश्यक और सार्थक मानते थे। चार दिशाओं से ये चार प्रयत्न चले, सबका मिलके जो फल मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा, उससे स्वतंत्रता आएगी, उसके अपने राष्ट्र का उत्थान होगा, उससे अपने समाज के दोष दूर होंगे, और इसलिए सभी में उनका योगदान था। जिस परिस्थिति में जो आवश्यक वो पहले करना, ऐसी व्यावहारिक नीति लेकर वो चले। हम अगर ऐसे नेता कौन कौन थे ऐसा देखेंगे तो बहुत थोड़े नाम उस समय के हमारे सामने आते हैं। लोकमान्य तिलक थे, महात्मा गांधी जी थे, बाबू सुभाष चंद्र बोस थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे और संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे। लोकमान्य तिलक जी को तो इन सब में सीनियर थे, वो पहले चले गए,
लेकिन बाकी चारों लोग समकालीन थे। और उनके करने से भारत का भावी भविष्य बना है। आधुनिक भारत के शिल्पकारों में सुभाष बाबू का नाम है, और इसलिए उनके जीवन चरित्र का, उनकी गुणवत्ता का परिचय हम सबको होना चाहिए। हमारे मन की जो कृतज्ञता है वो स्वाभाविक है। त्याग बलिदान से जिनके यह स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई, और आज भारत विश्व पटल पर एक महान देश बनने जा रहा है, उसके मूल में इन लोगों के त्याग बलिदान है। और इसलिए कृतज्ञता पूर्वक सुभाष बाबू को हम याद करते हैं। लेकिन हमने ये भी गीत में सुना कि हे वीर नेताजी, आपका सपना तो अभी अधूरा है, हम जानते हैं। क्या वास्तव में हम जानते हैं किन सपनों को आंखों में रखकर देशभक्तों ने देश के लिए सर्वस्व समर्पण किया? क्या हमने कभी विचार किया है कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात फिर से हम सो गए, अपने स्वार्थ में निमग्न होकर, मैं और मेरा परिवार इसके आगे कुछ देखते नहीं। अहंकार, स्वार्थ और भेद की बेड़ियां जैसे पहले थी वैसे ही रख कर अगर हम एक कर्मकांड के नाते ये स्मरण करते हैं तो उसका उपयोग नहीं है। और इसलिए हम लोगों को आवश्यक है कि आज के दिन नेताजी का हमारी पीढ़ियों पर जो उपकार है उसका हम कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करें, उनको श्रद्धांजलि दें। नेताजी ने अपने जीवन में देश के लिए जो जो किया उसके गौरव का हम वर्णन करें, और उसके लिए नेताजी की जो तपस्या थी उस तपस्या के आधार पर जिस गुणवत्ता का उन्होंने परिचय दिया, उस तपस्या का और उस गुणवत्ता का हम अनुसरण करें। इस दृष्टि से जब नेताजी का चरित्र हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में पहली बात आती है उत्कट देशभक्ति। देश के लिए सब कुछ समर्पण, देश हित के आगे दूसरा कुछ नहीं, मेरा अहंकार नहीं, मेरा हित नहीं, उसकी बलि देकर भी देश को बड़ा बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते मैं नष्ट हो गया तो चलेगा, लेकिन जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता, जब तक देश का भाग्य हम बदल नहीं देते, तब तक सब कुछ सहन करके तन में शक्ति है, हृदय में प्राण है, तब तक नित्य आगे बढ़ना। इस प्रकार का एक व्रताचरण उनके जीवन में हमको दिखता है। संपत्ति, पैसे के मामले देखे, भौतिक सुख के मामले में देखे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा करियर था आईसीएस होने के बाद, लेकिन उस करियर को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने जीवन में अपने करियर का विचार नहीं किया, उन्होंने जीवन में केवल देश हित का विचार किया। इस जीवन में अपने सुख का विचार नहीं करना, वो काम अगले जन्म के लिए छोड़ दिया। इस जन्म में देश का सुख यही मेरा सुख, देश की उन्नति वही मेरी उन्नति, और इसलिए अपनी सारी शक्तियां, सारे गुण देश के लिए देना, यह उनके जीवन का आधार स्वर रहा है। इस एक थीम को लेकर उनका जीवन चला है। अपने हित की परवाह नहीं की। त्रिपुरी कांग्रेस के समय वो विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष थे।
गांधी जी का विरोध था, क्यों था वगैरह मुझे मालूम नहीं था, हम सब जानते हैं। जब मतों की परीक्षा हुई तो बहुत बड़ा बहुमत लेकर सुभाष बाबू अध्यक्ष हुए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को कहा कि उस कार्यकारिणी में आप रहो मत, बाहर आ जाओ। कांग्रेस टूटने का प्रसंग उत्पन्न हो गया। सुभाष बाबू के विचार थोड़े अलग थे, गांधी जी के थोड़े अलग थे, झगड़ा कर सकते थे, उनके पास बहुमत था, लोकप्रियता थी, किसी मामले में वो गांधी जी के सामने उस समय खड़े होने की शक्ति में कम नहीं थे। परंतु उन्होंने यही विचार किया होगा कि ये भी एक काम चल रहा है, देश के हित में ही चल रहा है, हमारे मतभेद तो व्यक्तिगत स्तर पर है लेकिन भारत की स्वतंत्रता की दिशा में सारे समाज को ले जाने का जो प्रयास चल रहा है उसमें ये भी एक धारा है, मेरे कारण उसमें प्रतिरोध नहीं आना चाहिए। और इसलिए बड़ा मन दिखाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राजीनामा दे दिया, वो अलग हो गए। उन्होंने अपने राजनीतिक शक्ति का निर्माण शून्य से फिर से प्रारंभ किया। जब ध्यान में आया कि केवल इस प्रकार के प्रतिकार से स्वतंत्रता आने वाली नहीं है, अंग्रेज के सामर्थ्य को दुर्बल बनाना होगा और अवसर अच्छा है, द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ है, एक प्रबल आह्वान ब्रिटिशों की सत्ता के सामने खड़ा हुआ है, और इसलिए अभी कुछ शस्त्र की ओर मुड़ना चाहिए। तो उन्होंने इस मत के जो जो कार्यकर्ता भारत में थे, जो जो नेता थे, उनके साथ परामर्श करके एक व्यापक योजना के लिए अभूतपूर्व साहस किया। वो देश से निकल गए, अंग्रेजों को ध्यान में ही नहीं आया, हाउस अरेस्ट में थे, अपने घर में थे, चारों ओर पहरा था, लेकिन कैसे चले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में आगरा से वो चले गए औरंगजेब की कैद के बाहर, औरंगजेब को पता ही नहीं चला, वैसा ही ये प्रसंग है। उसी प्रसंगावधान उसी चतुरता का और उसी साहस का परिचय देते हुए वो चले गए, देश के बाहर गए, जर्मनी में गए, जो युद्धबंदी बने भारतीय सैनिक थे उनको संगठित करना उन्होंने प्रारंभ किया। उनके ध्यान में आया कि जर्मन अहंकार के सामने एक दिन हमको भी झुकाने की इच्छा उसको हो सकती है, उन्होंने उस देश को छोड़ दिया, वो जापान आ गए। और राज बिहारी बसु से मिलकर उन्होंने भारत के बाहर भारत की पहली स्वतंत्र सरकार स्थापन की, आजाद हिंद सरकार, उसकी सेना का निर्माण किया और सेना को लेकर चढ़ के आए, भारत के दरवाजे पर दस्तक देने लगे, भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए। आज भी प्रतिवर्ष वहां 23 जनवरी को जहां तक वो पहुंचे थे वहां उनका स्मरण किया जाता है, भारतीय सेना के अधिकारी वहां जाते हैं। देश में जन जागृति हुई थी, सामान्य आदमी रास्ते पर आया था, ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि अपने बल से उसको नवाएंगे, जलियांवाला बाग जैसा कत्लेआम फिर करेंगे। परंतु जब उन्होंने देखा कि हमारी सेना में जो भारतीय है वो हमारा ट्रेनिंग लेके स्वतंत्रता के लिए खड़े हो गए, अब हमारी सेना हमारे हाथ में नहीं रही, तो दोनों तरफ से उनका बल समाप्त हो गया, उन्होंने देश को छोड़ने का निर्णय उनको लेना पड़ा। ये उनका कर्तृत्व है। ब्रिटिश लोगों के साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता है, ऐसी गर्वोक्ति वो लोग करते थे।
उनको मजबूर किया सत्ता छोड़ने के लिए। उसके लिए जो एक कमी थी कि बल नहीं था, उस बल को खड़ा किया, भारत के बाहर जाकर खड़ा किया, प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ा किया। उसको खड़ा करने के लिए यूरोप के किनारे से जापान के किनारे तक एक लंबा समुद्र के भीतर का प्रवास, पनडुब्बी का प्रवास किया। कितना बड़ा साहस है, कितनी निर्भयता है, और खतरा मोल लेने की कितनी प्रवृत्ति है, अपने प्राणों की, अपने जीवित वित्त की बिल्कुल चिंता न करते हुए उन्होंने ये सब किया। पूरा जीवन देश के लिए जीवन था, उत्कट देशभक्ति उनके जीवन का मंत्र था, उनके जीवन की थीम थी, सब बातों के ऊपर देश। अनेक प्रांत है, अनेक भाषा है, अनेक जाति उपजाति है, अनेक पंथ संप्रदाय मजहब है, सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी इस सबसे ऊपर हमारा भारत। उस भारत माता की हर संतान मेरी अपनी संतान, मेरा अपना बंधु मित्र भाई, उसका कल्याण मेरे जीवन के सहारे हो, मेरा जीवन उसके कल्याण में लगे, इसलिए सर्वस्व को त्याग देना, ऐसा जीवन उन्होंने जिया। और ये केवल बातों से नहीं होता, इसकी तैयारी करनी पड़ती है। आप कल्पना करो, पेशावर से पैदल हिंदू कुश पर्वत को लांघकर वो अफगानिस्तान के उस पार पहुंचे, कितना खतरा, कितना कितना कष्ट किया होगा उन दिनों में ऐसे जाना, कहां रहे होंगे, क्या खाया होगा। आजाद हिंद फौज का पूरा वृत्तांत जो सुनते हैं, वो अफसर के नाते कभी अलग नहीं रहे, सेना के साथ ही चले। आजाद हिंद फौज को पीछे जाना पड़ा तो उस पीछे हाट में सुभाष बाबू उनके साथ थे, दूर बैठकर उनको नियंत्रित नहीं कर रहे थे, वो भी पैदल चल रहे थे, वो भी जो मिलता है, जितना मिलता है उतना खाकर उनके साथ चले थे। देशभक्ति आसान काम नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, शरीर मन बुद्धि को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। उसको ऐसे तैयार करने की साधना उन्होंने की थी। दूसरी बात ध्यान में रखने की कि अपने देश के बारे में उनकी एक स्पष्ट दृष्टि थी, उसके आधार पर निश्चित लक्ष्य था। बहुत पहले से राजनीतिक जीवन में अखिल भारतीय प्रसिद्धि मिलने के पहले से वे संपूर्ण स्वराज्य का आग्रह रखने वाले युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि थे। यहां कलकत्ता में कांग्रेस हुई शायद 1924 है, उसमें यह प्रस्ताव लाना चाहिए, 1918 है, उसमें यह प्रस्ताव लाना चाहिए कि हमको अंग्रेजों के प्रभुत्व के अंदर कुछ नहीं चाहिए, हमको पूरा स्वराज चाहिए, अंग्रेजों ने बाहर जाना चाहिए, हम अपना देश चलाएंगे, ऐसी मांग कांग्रेस ने करनी चाहिए। इसके लिए आग्रह रखने वाले ये लोग, तब उन्होंने ये तय किया कि देखेंगे, एक एक साल देखेंगे, बाद में सोचेंगे, ऐसा सोचा। अंततोगत्वा वही प्रस्ताव कांग्रेस को 1930 में करना पड़ा, लेकिन ये स्पष्ट दृष्टि लेकर पहले से देश के समाज के सामने योग्य विचार, देश के नेतृत्व के सामने योग्य लक्ष्य रखने का उनका आग्रह रहता था। और इसलिए अमृत वचन में आपने सुना, कोई राष्ट्र कैसे उठ खड़ा होता है, किसी राष्ट्र का पुरुषार्थ कैसे जागता है, उसके बारे में उनके विचार स्पष्ट थे। आत्मस्वरूप को जानो, हम कौन है इसका पता चला, तो फिर हमको जो बनना है वो हम बन सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद के विचार का बड़ा प्रभाव था। और इसलिए एक समता मुक्त, समता युक्त, शोषण मुक्त समाज, एक ऐसा विश्व जिसमें किसी प्रकार का भेद कलह न हो, ऐसा खड़ा करने का एक भव्य स्वप्न लेकर वो चले। वो जानते थे कि इन सपनों का मूल कहाँ है। हम भारत के हैं, हम हिंदू है, हमारा विचार धर्म विचार है। धर्म भेद नहीं करता, धर्म सबको अपना मानता है। सबको अपना मानकर सबके अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबके कर्तव्यों को निर्धारित करता है। अपना व्यक्तिगत जीवन, कौटुंबिक जीवन, समूह का जीवन, राष्ट्र का जीवन और सृष्टि, इन सब में एक सुंदर समन्वित जीवन का प्रकार देता है, उसके लिए आवश्यक संयम का पुरस्कार करता है। ऐसा धर्म विचार मनुष्य को सीखी बनाएगा। अध्यात्म आधारित मानव उन्नति की सब क्षेत्रों में, भौतिक उन्नति भी अध्यात्म आधारित, ये उनके चिंतन का स्वर था। स्पष्ट कल्पना लेकर वो चले थे और जैसा उन्होंने कहा वैसा जीवन उन्होंने जिया। ये केवल भाषणों की बात नहीं, ये बात वो जीते थे, स्वयं के जीवन का उदाहरण रखते थे। और इसलिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, एक 6-7 शब्दों का सामान्य वाक्य उच्चारण करने के बाद हजारों तरुण उनको मिले खून देने के लिए, प्राण देने के लिए तैयार। ये केवल शब्द नहीं थे, ये शब्द तो कोई भी उच्चारण कर सकता है, हर भाषा में ये शब्द मिलते हैं, लेकिन शब्दों के उच्चारण करने वाले का जीवन, उसके जीवन की तपस्या उसके पीछे से बोलती है। ऐसा जीवन उन्होंने जिया। हम जानते हैं अगर उनका सपना अधूरा है तो उसको पूरा करने का दायित्व किसका है। केवल उनके प्रति कृतज्ञता दर्शाने से वो प्रसन्न होंगे क्या? जिस सपने को साकार करने के लिए सर्वस्व का होम उन्होंने किया, उस सपने को साकार करने के लिए आज की पीढ़ी तैयार होकर काम कर रही, ये देखेंगे तो उनको समाधान होगा। वो स्वप्न उन्होंने जो लिया था वो अधूरा छोड़ने के लिए नहीं लिया था, वो जानते थे कि एक पीढ़ी का ये काम नहीं है, निरंतर करना पड़ेगा। मेरा जीवन शायद इसके लिए पूरा नहीं पड़ेगा, परंतु कोई बात नहीं, मैं ऐसी प्रेरणा देकर जाऊंगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलेगा। और कभी तीव्र प्रचंड वेग से, कभी क्षीण वेग से, लेकिन वो प्रेरणा अपना काम कर रही है, ये प्रवाह चल रहा है। आत्मदर्शन संपन्न, चारित्र्य संपन्न पीढ़ी देश के लिए जीने मरने को खड़ी होनी चाहिए। संघ क्यों करता है? संघ उनका स्मरण क्यों करता है? प्रतिवर्ष यहां नेताजी प्रणाम क्यों करते हैं? उनके प्रति कृतज्ञता तो है ही, लेकिन उनके जीवन के स्मरण की प्रेरणा हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, इसलिए करते। और केवल इतना मन में विचार करते नहीं, उसके लिए रोज परिश्रम करते हैं, अपने देश के जीवन को मोड़ देने का परिश्रम करने लायक अपना शरीर मन बुद्धि बने, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। उसके लिए रोज शाखा में कार्यक्रम करते, उन कार्यक्रमों को उत्कृष्ट करेंगे, सांघिक करेंगे, बिना किसी गलती के करेंगे, आनंद से उत्साह से करेंगे, तो अपना तन मन उसी शक्ति से भर जाएगा। क्योंकि ये परिश्रम हम इसलिए नहीं कर रहे कि मैं पहलवान बनूं, मैं कोई फिजिकली बड़ा ट्रेंड आदमी बनूं, ये हम इसलिए करते हैं कि हमको देश का काम करना है। हम शाखा में इसलिए आते हैं कि हमको अपने समाज को बड़ा बनाना है। अपने स्वार्थ का विचार न करते हुए
अपने समाज, राष्ट्र, देश, धर्म, संस्कृति के हित में हम ये सारा परिश्रम करते हैं, कितना अचूक करते हैं, कितना सतत करते हैं, कितना लग कर करते हैं, इस पर अपनी शक्ति निर्भर है, कितनी शक्ति तैयार होती है। और ऐसी शक्ति जब तैयार होती है तो फिर बड़े बड़े असंभव लगने वाले काम अपने सामूहिक बल के आधार पर हम संपन्न कर लेते हैं। हम लोगों का 100 साल का अनुभव होने जा रहा है, अभी 98 साल का अपने पास है। विजयत्री चन संहता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। सुभाष बाबू का ध्येय, सुभाष बाबू का चिंतन और हमारा चिंतन, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम उनको अपने पथ का आलोड़न कैसे करना है इसका एक मूर्तिमान उदाहरण मानते हैं। सबको जोड़कर, किसी के साथ कलह न करते हुए, अपने आप को सक्षम बनाते हुए, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक पूरा होते तक इसी काम को करना है। सफलता विफलता इसकी चिंता नहीं करनी है, आशा निराशा के खेल में नहीं फंसना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यही एक रास्ता है, दूसरा नहीं है। यही एक रास्ता है तो एक बार विफलता मिली तो गलती दुरुस्त करके उसी रास्ते पर आगे बढ़ना। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, नीति निपुण लोग निंदा करे अथवा स्तुति करे। लक्ष्मी गृहे वसतु गच्छति वा यशस्तम, अनेक प्रकार के भौतिक लाभ हमको मिले अथवा छोड़ने पड़े, पास भी ना आए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मरण प्राप्त हो जाए अथवा जीने से मरना भला, ऐसा जीवन युगांतर तक जीना पड़े। न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा, उचित अनुचित का विचार करते हुए जो न्याय पूर्ण पथ, उस पर बढ़ा हुआ कदम धीर प्रयास करने वाले पुरुष कभी पीछे नहीं लेते। सुभाष बाबू ऐसे थे, हमको ऐसा बनना है, हमको ऐसा बनकर अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाना है। सुभाष बाबू के सपने में उन्होंने जो देश की कल्पना की थी, उस देश को हमको साकार करना है। इसलिए हम उनका स्मरण करेंगे, वैसे उनको विचार को विचार से समझ लेंगे, उनके जीवन की गुणवत्ता को समझ लेंगे, उसके लिए उन्होंने किए हुए भीम प्रयासों को हम समझ लेंगे। इन महापुरुषों का अनुकरण जीवन में करना, ये उनका सच्चा स्मरण है, ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अपने देश के लिए सब प्रकार के प्रयास करने वाले ऐसे निस्वार्थ बुद्धि के महाविभूतियों का स्मरण संघ अपने एकात्मता स्तोत्र में रोज करता है। ऐसे कोई दिन आता है तो निमित्त मात्र स्मरण करता है, लेकिन अपने एकात्मता स्तोत्र में रोज सुभाष बाबू का हम स्मरण करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि उन सपनों को साकार करने का बीड़ा हमने उठाया है, सतत परिश्रम पूर्वक भीम प्रयास करके अपने जीवन की समाप्ति इसी ध्येय पथ पर उन्होंने होने दी, जहां उनके हाथ से वो सूत्र छूटे जीवनांत होने के कारण, वहां से उनको उठाकर पूर्णता तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना है। उस तैयारी के निमित्त हम आगे बढ़े हैं, हम अपनी गति बढ़ाए, अपनी उत्कृष्टता को बढ़ाए, अपना काम अचूक करना, समय पर करना, सतत करते रहना सीखे, उसके लिए आवश्यक वह शक्ति बुद्धि उसका वरण करे और वो सतत चलता रहे। इसलिए प्रतिवर्ष इस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाबू का हम स्मरण करें,
तन से करे, मन से करे, बुद्धि से करे, आत्मा में उस स्मरण को बसाए और उस स्मरण के प्रकाश में अपने जीवन की राह को बनाए। ये आवश्यकता अपने देश की दुनिया की है, उसको पूरा करने का बीड़ा हमने उठाया है, उस पथ पर अपनी गति बढ़ाए। इतना एक अनुरोध आप सबके सामने रखता हूँ और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ।